नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी टेस्ट मुकाबला मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रेफर्ड मैदान पर खेला जाना है। चौथे टेस्ट मैच के आखिरी दिन से पहले टीम इंडिया को बुरी खबर मिली थी और टीम इंडिया के कोचिंग स्टाफ कोरोना पॉजिटिव हो जाने के बाद टीम इंडिया से अलग हो गए थे। अब 5वें टेस्ट मैच से पहले टीम इंडिया को एक और बुरी खबर हाथ लगी है। जी हां, टीम का एक और स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके कारण मैनचेस्टर में भारतीय क्रिकेट टीम के अभ्यास सत्र को रद्द कर दिया गया। भारत इंग्लैंड के बीच सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच 10 सितंबर से खेला जाना है। सीरीज में भारत की टीम इंग्लैंड से 2-1 से आगे चल रही है। इससे पहले टीम के हेड कोच रविशास्त्री, फील्डिंग कोच आर श्रीधर और बॉलिंग कोच भरत अरुण आरटीपीसीआर टेस्ट में कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए थे और इन सभी को 10 दिन के क्वारंटाइन में भेज दिया गया था। इस वजह से ये 5वें टेस्ट मैच के दौरान टीम इंडिया के साथ नहीं रह पाएंगे। टीम इंडिया के साथ जुड़ने के लिए इन्हें वापस से 2 बार टेस्ट कराना पड़ेगा और दोनों ही बार रिपोर्ट नेगेटिव आनी चाहिए। हालांकि कोरोना पॉजिटिव हुए सपोर्ट स्टाफ का नाम अभी सामने नहीं आया है, लेकिन अभ्यास सत्र रद्द होने से टीम इंडिया को इसका झटका जरूर लगा है। आपको बता दें, चौथे टेस्ट मैच के दौरान भारतीय टीम बिना कोच के स्टेडियम गई थी। कोच रवि शास्त्री और गेंदबाजी कोच के बिना ही टीम इंडिया ने चौथे टेस्ट मैच में जीत हासिल की थी। द लंदन ओवल में हुए चौथे टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड को 157 रनों से हराकर 50 साल के बाद इस मैदान पर टेस्ट मैच जीतने का कमाल कर दिखाया था। रोहित शर्मा को उनकी शतकीय पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया था। आपको बता दें, नॉटिंगम में खेला गया पहला टेस्ट मैच ड्रॉ रहा था। इसके बाद टीम इंडिया ने लॉर्ड्स में शानदार जीत दर्ज करते हुए सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई थी, लेकिन लीड्स टेस्ट मैच में टीम इंडिया को करारी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद टीम इंडिया ने ओवल टेस्ट मैच में जबरदस्त वापसी करते हुए शानदार जीत दर्ज की और सीरीज को 2-1 कर दिया है। टीम इंडिया अब सीरीज हार नहीं सकती, वहीं इंग्लैंड पर हर हाल में मैनचेस्टर टेस्ट जीतने का दबाव होगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।